नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उनवार ई रिक्शा संचालन का विरोध कर रहे ई रिक्शा चालकों को पुलिस ने हटाया। पड़ोसी द्वारा मकान पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह भव्यता के साथ मनेगा। और अश्विन नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बर्फ नाटक का कलाकारों ने किया बखूबी मंचन। और अब खबरें विस्तार से। जोनवार ई रिक्शा संचालन का विरोध कर रहे ई रिक्शा चालकों को पुलिस ने खदेड़ा। जोनवार ई रिक्शा संचालन का विरोध कर रहे ई रिक्शा चालकों को पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खदेड़ा। बता दें कि बीते कई दिनों से ई रिक्शा चालक बारकोड के हिसाब से ई रिक्शा चलाने का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर शास्त्री घाट पर अनशन भी चल रहा है। आज काफी संख्या में पुलिस टीम ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों को खदेड़ा। बता दें कि इस दौरान काफी संख्या में महिला पुलिस भी मौजूद रही, जिन्होंने महिला ई रिक्शा चालकों को हटाने का काम किया। उनके टेंट को भी हटाया गया और कड़ी हिदायत दी गई। वहीं पुलिस टीम के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल रहा। ले जा रहा, आप पत्रकार हैं, प्रेस से अभी हम लोग नीचे साहू जी पत्रकार है राजा अहमद बोले। अभी तो क्या एसपी साहब समझना है ना, पर टोटो वाले यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सर आज आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा हटाया गया, सर क्यों? जनपद वाराणसी में सुगम यातायात हेतु सिस्टमिक तरीके से ई रिक्शा और टोटो चलाने के बारकोड सिस्टम और रूट की व्यवस्था की गई थी। इसमें जनपद वासियों द्वारा ये काफ़ी आभार भी किए कि ये वेलकम स्टेक है और इसके विरोध में कुछ लोग यहाँ शास्त्री घाट में धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने की कोई परमिशन नहीं था, इसलिए पुलिस की उपस्थिति में सबको हटाया गया है। सर प्रशासन ने कहा है कि बारकोड को मानना पड़ेगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, तो सर ये झुकने के लिए तैयार नहीं है और आप लोगों ने काशी जो प्रवीण काशी उनको यहाँ से ले गए उठा के ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, ये जो बारकोड सिस्टम है सबके लिए फ़ायदा की बात है, क्योंकि ये पहले ये होता था कि हर ऑटो वाले एक ही रूट में जाना चाहते थे, तो इस वजह से ट्रैफिक का भी दिक्कत रहते हैं और उनका जो भी टूरिस्ट है टूरिस्ट के लिए भी दिक्कत रहते हैं। इसमें ये जब ये पूरा जनपद को ये एक्सेस कर सकते तो ये बारकोड सिस्टम में फ़ायदे की बात है, ये लंबे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इसके लिए। तो नहीं, जब भी सिस्टम बना रखे हैं जी, सिस्टम चलने दीजिए, तब आपको फ़ायदा पता चल जाएगा कि क्या है मतलब, और अगर कोई इसमें कोई दिक्कत है तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये सुगम यातायात के लिए, बनारस में सबसे बड़ा दिक्कत है कि ट्रैफिक का, और इसमें ये जनपद वासियों द्वारा भी आभार भी व्यक्त किया कि ऐसे ये व्यवस्था के आने के बाद काफ़ी राहत मिली है ट्रैफिक। टोटो वाले सर यहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि हम सुगम तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमें हटा दिया गया। सर ये दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे तो आप क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं? कोई परमिशन नहीं था इसलिए हटाया गया। पड़ोसी द्वारा मकान पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। मकान पर पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। साधना यादव पत्नी बबलू यादव निवासिनी चौकाघाट थाना जैतपुरा ने बताया, हमारे मकान के बगल में सतीश जायसवाल का मकान है। सतीश जायसवाल व उसकी पत्नी कलावती जायसवाल व पुत्री भावना जायसवाल और पुत्र अतुल जायसवाल एक अन्य व्यक्ति से मिलकर एक गुट बनाए हुए हैं, जिनका संबंध आपराधिक किस्म के लोगों से है। ये लोग हमारे
परिवार की जमीन को गुंडई पूर्वक अवैध ढंग से कब्जा करने के लिए आए दिन उसकी जमीन पर तोड़फोड़ करते हैं, उसका रास्ता बंद करने के लिए तरह तरह के अवरोध उत्पन्न करते हैं, रोकने पर मारपीट और गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। और भावना जायसवाल जो गलत किस्म की लड़की है, हमारे परिवार को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिया करती है। इस संबंध में कई बार प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष जैतपुरा को दिया जा चुका है, किंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और ये लोग मनबढ़ किस्म के हो गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सोमवार की रात में मेरे जमीन की दीवार गिरा दी गई और टीन शेड को गिरा दिया गया। पूछने पर ये लोगों ने धमकी दिया कि जहां जाना हो वहां जाओ, थाना जैतपुरा मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि थाना जैतपुरा में मेरी काफी अच्छी पैठ है। उन्होंने कहा कि हम और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है, इन लोगों द्वारा कभी भी मेरे परिवार के साथ कोई संगीन घटना कारित की जा सकती है। मेरा जमीन है जो जबरन छीना जा रहा है और मेरे जमीन पर जबरी कब्जा किया जा रहा है और आए दिन लड़ाई हो रहा है। हम लोग जमीन दिए हैं चौनी भर, भावना जायसवाल ली है और वो जबरन गुंडागर्दी कर रही है, हमारे जमीन पर कब्जा कर रही है और मारने काटने की हमेशा धमकी देती रहती है और बोलती है कि रेप केस लगा देगी, हमारे भाइयों पे हमेशा रेप केस लगाती है। थाने चौकी पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग कई बार गए थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थानेदार बोल रहे हैं कि अब आप लोग को जो करना है करो, हम लोग की नौकरी चली जाएगी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने हर जगह एप्लीकेशन भी दे दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 10 सालों से तो परेशान की, अब तो और परेशान कर रही है, जब से उसको प्रोटेक्शन बढ़ती जा रही है हम लोग की परेशानी भी बढ़ाती जा रही है। हम लोग गरीब आदमी रोज का रोज कहाँ से पुलिस दरोगा करेंगे, हम लोग परेशान हो गए, जमानत कराते कराते आए दिन रेप केस लगाती रहती है, हम लोग को मारने की धमकी भी देती है, तोड़फोड़ आए दिन रोज कर रही है। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार हम लोग गरीब आदमी का मदद करें और मांग यही करेंगे कि हम लोग की सुनवाई करें और ऐसे लोगों से हम लोग को बचाए। गरीब आदमी हम लोग का कुछ नहीं जानते, हम लोग छोटे मोटे इंसान है, हम लोग के घर जमीन इंपोर्टिंग है, इससे बढ़ के हम लोग तो कुछ नहीं जानते। सरकार जो भी है अपना काम कर रही है तो अपने काम के अनुसार हम लोग की मदद करे, बस यही हम लोग जानते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह भव्यता के साथ मनाया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत महोत्सव आगामी 26 सितंबर को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत महोत्सव की अध्यक्षता करेंगी। प्रत्यायन परिषद एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर अपने दीक्षांत भाषण से स्नातकों को प्रोत्साहित करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा स्नातकों को उपाधि पत्र प्रदान करेंगे। देखिए, ये महनीय विश्वविद्यालय 26 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से अपना 42वां दीक्षांत महोत्सव आयोजित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर गतिमान हो इसकी चिंता करते हुए हमारी प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की यशस्विनी कुलाधिपति श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा से हर विश्वविद्यालय अपना अपना दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। और न केवल दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कसौटी पर खरे उतर करके उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज उस प्रदेश में लगभग 6 विश्वविद्यालय A++ NAC की ग्रेडिंग प्राप्त किए। इस सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महामहिम शालीन उत्तर प्रदेश की यशस्विनी राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से हम भी अपना ये दीक्षांत समारोह समय से बहुत सारे विश्वविद्यालय कई कई वर्षों तक अपना दीक्षांत आयोजित नहीं कर पाते, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे स्थान से प्रेरणा मिल रही कि हम हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा जो पर्व होने वाला होता है दीक्षांत महोत्सव, उसका आयोजन कर रहे हैं। और इस सारे आयोजन की मॉनिटरिंग हमारी प्रेरणा स्रोत राज्यपाल महोदया निरंतर करती है। उन्हीं की प्रेरणा से हम ये 42वां महोत्सव आयोजित कर रहे हैं और इस 42वें महोत्सव में हम प्रथमा से लेकर के विद्यावारिधि पर्यंत लगभग एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 13,733 विद्यार्थियों को हम उपाधियां देने वाले हैं और उनमें से अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 31 विद्यार्थियों को हम 56 स्वर्ण पदक दे, जिनमें छात्राएं हैं जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सौभाग्य से भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को गति देने वाले NAC एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन श्रीमान अनिल डी सहस्रबुद्धे अपना दीक्षांत भाषण करने वाले हैं। हम उससे लाभान्वित होंगे और इस दीक्षांत महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की अहर निशम सेवा महे के भाव से सेवा करने वाले श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, ये अपने विशिष्ट उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। और उच्च शिक्षा को ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही श्रीमती रजनी तिवारी जी, आदरणीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, वो अपने सारस्वत उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने वाली हैं। इस प्रकार से यह 42वां दीक्षांत महोत्सव ये महनीय विश्वविद्यालय अपने महनीय मुख्य भवन के मुख्य सभागार में आयोजित कर रहा है। आप सबको भी मैं उसमें आमंत्रित करता हूं कि आप सब देखें ये 235 वर्षों से जो बड़े गर्व के साथ खड़ा भवन है, जो सांस्कृतिक परंपराओं का संवाहक है, उस भवन के मुख्य सभागार में ये 42वां दीक्षांत समारोह व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। इसके लिए मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में हैं, हमारे इस महनीय विश्वविद्यालय ने क्या किया है, क्या करने वाला है, इसकी क्या स्थिति है, इसके क्या अपेक्षाएं हैं, इन सबको जान करके समाज तक आप ले जाने का काम करते हैं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। अश्विन नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बर्फ नाटक का कलाकारों ने बखूबी मंचन किया। इंसानी जज्बातों, संघर्षों और समाज की कड़वी सच्चाई जब संवादों का शरीर और अभिनय का श्रृंगार धारण करके मंच पर उतरी तो दीर्घा में बैठे दर्शकों की आंखें नम हो गईं। मौका था अश्विन नाट्य महोत्सव के 27वें संस्करण के अंतर्गत बर्फ नाटक के मंचन का। ठंडेपन और ठहराव का आभास कराने वाले इस शीर्षक से मंचित नाटक में विपरीत परिस्थितियों के पिघलने की संभावनाओं को भी उजागर किया गया। सबसे बड़े रोग क्या कहेंगे लोग के भाव में बहते हुए अपनी नितांत व्यक्तिगत समस्याओं में गहराई तक उलझ जाने और फिर उसमें उबरने का संदेश इस नाटक का मंचन दे गया। यही नहीं, नाटक ने रंग दर्शकों को जहां अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया, वहीं आसपास के परिवेश को देखने की नवीन दृष्टि देने का भी प्रयास किया। डॉ सिद्धांत कौल, गुलाम रसूल और नसीफा इस नाटक के
तीन किरदार रहे जिनका सटीक निर्वाह क्रमशः अमित कुमार श्रीवास्तव, रवि कुमार राय और तुषार वर्मा ने किया। सौरभ शुक्ला के लिखे नाटक का मंचल मूल हान संस्था के बैनर तले तौकीर खान के निर्देशन में किया गया। मंच सज्जा एमपी सिंह, वस्त्र विन्यास अंशुप्रिया और प्रकाश संयोजन सात्विक यादव ने किया। बीएचयू हिंदी विभाग में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के काव्य संग्रह रेत में आकृतियों के पेपर बैग संस्करण का लोकार्पण हुआ। सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रकाश शुक्ल के काव्य संग्रह रेत में आकृतियों के पेपरबैक संस्करण का लोकार्पण हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। इस संग्रह का प्रकाशन वाणी प्रकाशन समूह की ओर से किया गया है। ये इस पुस्तक का दूसरा संस्करण है जिसमें युवा आलोचक विंध्याचल यादव की एक सशक्त भूमिका सम्मिलित की गई है। भूमिका में कविताओं का गहरा विवेचन किया गया है जिससे इस संग्रह की कविताओं को समझने के सरल सूत्र निष्पादित होते हैं। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध गजलकार और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि साहित्य में कुछ मूल्य होते हैं जो अपने सातत्व में चलते हुए हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं तथा आने वाला कोई भी नया रचनाकार इन मूल्यों से बिल्कुल कट कर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पुस्तक में ऐसे मूल्यों की झलक मिलती है जो परंपरा से चली आ रही है। श्री प्रकाश शुक्ल ने बखूबी उन परंपराओं को न केवल ग्रहण किया बल्कि उसे नवीनता प्रदान करने में कुछ नया रचने में भी सफल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉ महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ नीलम कुमारी ने किया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य वाणी प्रकाशन समूह की निदेशक अदिति माहेश्वरी ने किया। कार्यक्रम में खुशबू कुमारी, अलका कुमारी और निवेदिता ने कुलगीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर बलराज पांडे, प्रोफेसर तरुण कुमार, प्रोफेसर के एम पांडे, सुनीता शुक्ल, प्रोफेसर सुचिता वर्मा, प्रोफेसर नीरज खरे इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। आज असल में मेरे द्वारा लिखित कविता पुस्तक रेत में आकृतियों का विमोचन है। यह कविता पुस्तक वाणी प्रकाशन से पेपर बैग संस्करण में प्रकाशित हुई है और इसका जो केंद्रीय स्थल है, इसका जो मर्म स्थल है वह बनारस है। बनारस की गंगा, बनारस की रेत और
घाट पर आवाजाही इस पार से उस पार तक की जो स्थितियां रहती है उन्हीं को कविता में दर्ज किया गया है। लेकिन इस कविता का जो मूल उत्स है वह राम छाट पार न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को आयोजित होने वाले संतोत्सव का है, जिसमें रेत हुए आकृतियों की खोज की पहचान करते हुए तमाम युवा कलाकार वहां पर बनाते हैं। हम जानते हैं कि कविता और शिल्प का जो परस्पर सहमेल है वह एक बहुत ही खूबसूरत सहमेल हुआ करता है। और यह भी सही बात है कि जो रेत में आकृतियां वहां पर गंगा उस पर बनती है तो देर रात विलीन हो जाती है, हवा में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन उन आकृतियों को मैंने कविता में बचाने की कोशिश की है, लेकिन यह उन आकृतियों का अनुवाद नहीं है। ये कविता स्वतंत्र है, जिनमें दर्शन है, जिनमें इतिहास है, जिनमें संवेदनाएं हैं और वर्तमान समय की हाहाकारी जो स्थितियां हैं वह भी इसमें दर्ज है। आप कह सकते हैं कि रेत में आकृतियां नामक इस कविता संग्रह में बनारस से जुड़ करके इसका अतीत, वर्तमान और अनागत तीनों का कहीं कहीं संघ स्थल यहाँ पर इकट्ठा होता है। इस मौके पर इसके लेखापन के अवसर पर खुद वाणी प्रकाशन की प्रबंध निदेशक अदिति महेश्वरी खड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम तो यहाँ पर हमारे बीच स्वयं मदन लाल मूर्तिकार हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी का अध्यक्ष वशिष्ठ अनेक हैं, आलोचक कृष्ण मोहन सिंह, कमलेश वर्मा, अविंधा चंद यादव, महेंद्र कुशवाहा जैसे लोग यहाँ पर हैं जिनकी चर्चाओं से यह संगोष्ठी समृद्ध हो रही है। बीएचयू परिसर में एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा 21 सितंबर से 30 सितंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 287 आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 455 एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। मंगलवार को फायर फाइटिंग डेमो का आयोजन अग्निशमन विभाग के सहयोग से दिया गया। इसमें कैडेटों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त शिविर के दौरान एनसीसी कैडेट्स को सामूहिक रूप से रहने के अतिरिक्त विभिन्न सैन्य कार्रवाईयों एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः फायरिंग फील्ड एरिया में टेंट पिचिंग, मैप रीडिंग एवं व्यक्तित्व विकास पर ट्रेनिंग टीमों द्वारा विशेष जोर दिया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उनवारी रिक्शा संचालन का विरोध कर रहे रिक्शा चालकों को पुलिस ने हटाया। पड़ोसी द्वारा मकान पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ के संदर्भ में पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह भव्यता के साथ मनेगा। और अश्विन नाट्य महोत्सव के अंतर्गत बर्फ नाटक का कलाकारों ने किया बखूबी मंचन। तो इतने आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।